नमस्कार, युवा तक भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच में केएस शर्मा। आज हम विश्लेषण करेंगे मालदीव सरकार द्वारा भारत का विरोध और भारत के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण जवाब। जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव में हाल ही में नवंबर 2023 में जो चुनाव संपन्न हुए, उसमें चुनी गई सरकार के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो चीन के पिट्ठू हैं, जैसा कि वह सत्ता में जैसे ही वो सत्ता में आए और उन्होंने भारत सरकार का विरोध शुरू कर दिया, ताकि वह चाइना को ये मैसेज दे सके कि वह चाइना के समर्थक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, मालदीव भारत के दक्षिण में इक्वेटर के पास बसा एक देश है, जिसमें 1200 आइलैंड हैं, लगभग 5 लाख आबादी है और यहाँ जीडीपी का लगभग 30% टूरिज्म से आता है। इसी तरह भारत के दक्षिण पश्चिम में इसी तरह आइलैंड हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहीं आए हुए थे। वह ऐसा करके वो मालदीव की दुखती नस को दबाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, यह नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप आए और उन्होंने बिना मालदीव का नाम लिए बगैर अपने देशवासियों से ये कहा कि आप विदेशों में भ्रमण करके आते हैं। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जहाँ तक हो सके और आप सक्षम हों तो अपने देश में घूमने का अवसर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इंडियन ओशन में मालदीव स्ट्रेटजिक वे में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण भारत मालदीव के लिए है, अर्थात मालदीव के बहुत सारे हित भारत से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं कि मालदीव एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत सरकार अब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रही है विकल्प के तौर पर। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का अपमान किया, इजराइल का पिट्ठू कहा और तमाम सारे ऐसे शब्द कहे जिनको इस वीडियो में हम कहना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन भारत के द्वारा ऐसा करके एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है, जैसा कि दिया जा भी रहा है और ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत व भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट अपना सुझाव अवश्य लिखें। लाइक करने से और कुछ नहीं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।